भी ज्वेलरीज है ना वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की ज्वेलरीज है एंड ये अलग अलग बॉक्सेस में ओपन होके आई थी मैंने सबको ओपन किया इस बॉक्स में डाले ताकि मैं आराम से आपको दिखा सो टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारी इयरिंग मंगाई है मीशो से बहुत सारी ज्वेलरीज मंगाई है सेट्स बट उनमें से ढूंढ ढूंढ के छाड़ छाट के जो भी मुझे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लगे एंड मुझे लगा कि आप लोग शेयर करना चाहिए उसी को मैंने इसमें रखा है एंड मैंने ये ध्यान में रखा है कि आप फेस्टिवल के टाइम वेडिंग के टाइम पार्टी के टाइम एंड जब भी आपको स्टेटमेंट पीस पहनना हो आप इन सबको पहन सको एंड गाइस वॉट ये पूरी की पूरी वीडियो 300 के अंदर होने वाले मतलब कि मैं जितनी भी प्रीमियम क्वालिटी की जुड़ी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारी की सारी थ्री हंड्रेड के अंदर एंड कुछ तो ऐसे है जो टू हंड्रेड के अंदर एंड ट्रस्ट में भरोसे ही नहीं करोगे की खरीदी तो आपको सारे प्रोडक्ट्स के कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको जो भी परचेस करना होगा आप कोड यूज करना अदरवाइज आप मेरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप वहां से भी परचेस कर सकते हो एंड ये जो कुर्ती मैंने पहनी है आपको अगर वंडर हो रहा हो कि मैंने कहा भी मैंने मीशो से लिया अगर आपने मेरा मीशो कुर्ती हॉल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख लेना सो स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इयरिंग ये इयरिंग मैंने सबसे पहले ऑर्डर करी थी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इट इज अ बट अ ह्यूज नंबर ऑफ ट्विस्ट ये एक झुमका तो है थोड़ा सा क्यूँकी आप डिजाइन देख सकते हो उसमें बीट्स लगी है झुमका लगा है बाली लगी है नक्स लगा है। तो ये सब मिला के तो थोड़ा सा वेट आ ही जाएगा बट अलग से अगर मैं बोलूँ अगर मैं इसकी क्वालिटी को कंपेयर करूँ तो ये उतना हैवी नहीं है एंड मैं इसको निकाल के आप लोग को लगा के दिखाती हूँ

है ये बहुत अफोर्डेबल इट इज जस्ट फॉर टू फिफ्टी रुपीज मुझे टू फिफ्टी so से किसी डार्क कलर के आउटफिट के साथ इसको कैरी कर सकते हो क्योंकि ये लाइट येलो कलर है तो ये कलर के साथ बहुत अच्छे से मैच अगर आप किसी लाइट कलर के आउटफिट के साथ इसको पहनोगे तो ये उतना उभर के उतना दिखेगा बट स्टिल इट इज वेरी प्रिटी ये आप आराम से लहंगे पे साड़ी पे कुर्ती पे पहन सकते हो एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी कैरी कर सकते हो इसका जो ओवरऑल है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड ये ज्वेलरी मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी आप जरूर खरीदना बिकॉज अफोर्डेबल तो है ही एंड आप इसको हर टाइम पहन सकते हो लाइक ज्वेलरीज ऐसी चीजें होती ना कि हम हर ओकेजन पे मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं सो आई थिंक इट इस मस्ट है नेक्स्ट ईयरिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो प्रीवियस वाली ईयरिंग की बड़ी बहन है सो दिस इज हाउ द सेकंड ईयरिंग लुक लाइक इट इज सो ऑसम एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट जो बात हमारी चांद बाली हमारे झुमके हमारी इंडियन ज्वेलरी में है ना वो किसी भी ज्वेलरी में नहीं है लाइक आप अफगानी पहनो डेंटी ज्वेलरी पहनो वेस्टर्न ज्वेलरी पहनो उनका ना वो रंग फीका रहता है जो बात झुमके और चांद बाली में है ना वो आपको एकदम इलिवेट कर देता है आपका लुक एकदम एलिवेट कर देता है एंड जब आप इंडियन आउटफिट के साथ इंडियन ज्वेलरी पहनते ना तो आपका ओवरऑल लुक एकदम गॉडेस जैसा हो जाता है सो दिस इज अ झुमका इयरिंग एंड दिस इज हाउ इट लुक लाइक इट लुक्स सो डैम प्रिटी पहले वाले के कंपेरिजन में जो इसका कलर है ना ये थोड़ा सा डीप डार्क येलो कलर का है इट इज लाइक हल्दी एंड ऑरेंज टाइप का एंड जो पहले वाली मैंने आपको इयरिंग दिखाई थी वो भी येलो थी बट उसका जो येलो कलर है ना वो थोड़ा सा लाइट है मतलब वो नियन एंड येलो का मिक्सर होता है ना बिल्कुल वैसा है बट ये वाला लाइक ऑरेंज एंड हल्दी कलर का है सो दोनों में बहुत डिफ्रेंस है ये वाली इयरिंग आपके हर आउटफिट के साथ बहुत अमेजिंग लगेगी चाहे आप साड़ी पहनो कुर्ती पहनो सूट पहनो इंडो वेस्टर्न पहनो बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट पी है बात करें इसके स्टार्ट की तो इस पर आपको नंग मिल जाएगा एंड हल्का सा मीनाकारी का वर्क मिल जाएगा टू बी ऑनेस्ट ये ओरिजिनल मीनाकारी तो नहीं हो सकता बिकॉज ओरिजिनल मीनाकारी बहुत महंगा आता है बट ये हल्का सा मीनाकारी का यू नो फील देता है आपको सो इट लुक्स वेरी डिसेंट एंड वेरी प्रिटी आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अमेजिंग लगता है आई रिकमेंड दिस झुमका टू ऑल ऑफ यू जिनको भी झुमका पसंद है ना मेरी तरह तो आप जरूर इसको लेना बिकॉज ये बहुत ही अफोर्डेबल है इट इज जस्ट फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज एंड थ्री हंड्रेड रुपीज इज अटील डी बिकॉज सिमिलर झुमका आपको मिलेंगे नहीं एंड अगर कहीं पे मिलते भी है तो वो बहुत महंगे मिलेंगे लाइक फोर हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड एंड मिंत्रा पे मैंने ऐसा एक सिमिलर झुमका देखा था जो बारह सौ रुपए का था सो आई थिंक इट इज अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन एंड लुक्स सो गुड एंड सो प्रिटी एंड आई हाई लाई लिकमेंड दिस झुका टू ऑल ऑफ यू जब हम इंडियन ज्वेलरीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिजाइन आ जाती है कलर आ जाते हैं कर्स आ जाते हैं जैसे इंडियन ज्वेलरी की एग्जाम्पल्स दूझ झुमका टेम्पल ज्वेलरी एंड चांद बाली मिरर वर्क झालर वर्क बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी हमारे पूरे इंडिया में चलती है सो नेक्स्ट इयरिंग है ना वो एकदम फ्यूजन एंड हाईब्रिड टाइप की ज्वेलरी है इसमें आपको बहुत सारा वर्क एक ही पीस में मिलेगा सो एम टॉकिंग अबाउट दिस पीस इट लुक सो गॉर्जियस जिसका स्टार्ट है ना उसका डिजाइन टेम्पल ज्वेलरी से लिया गया है बीच में आपको मिरर वर्क मिलता है देन नीचे आपको एक झुमका मिलता है उस झुमके के नीचे आपको झालर मिलता है सो इट हैज फोर डिजाइन इन वन पीस लाइक ये बहुत ही फ्यूजन सा हाईब्रिड सा पीस है एंड ऊपर आपको ना रस्टेड वाला डिजाइन मिलेगा लाइक like, जो टेम्पल ज्वेलरीज होती है वो बहुत ही रस्टेड टाइप की होती है ताकि वो दिखे की वो बहुत एंटीक एंड पुराने जमाने टाइप की है तो ऊपर आपको वही रस्टेड वाली फील मिलती है बीच में मिरर मिलता है देन एंड झुमका मिलता है तो ओवरऑल इट इज है, 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 है। तो एंड ये थोड़ा सा लॉन्ग में आती है तो आप आराम से इसको साड़ी के ऊपर कुर्ती के ऊपर इंडो वेस्टर्न आउटफिट के ऊपर आराम से पहन सकते हो एंड गाइड इसमें हल्का सा टेम्पल ज्वेलरी का फील दिया गया है उसकी वजह से आप इसको आराम से कांजीवरम या फिर बनारसी साड़ी के साथ भी पहन सकते हो उसके ऊपर भी बहुत अमेजिंग लगेंगे मीशो पे आपको सिर्फ ये स्टर्ट भी मिलते like, अगर मैं इसको निकाल दू तो आपको सिर्फ ये स्टर्ट भी आपको मीशो पे दिख जाएगा मैं उसका भी कोड आपको दे दूंगी ये भी बहुत अमेजिंग लगता है अगर आपको ये झुमका नहीं चाहिए ये झालर नहीं चाहिए तो आप सिर्फ ये स्टर्ड पहन सकते हो एंड इट विलिगेंट एंड ये स्टेटमेंट पीसेस हुआ है बहुत सारे हैवी ईयरिंग्स की बात कर ली आप कुछ लाइट वेटेड इंग्स की बात कर लेते हैं क्योंकि हर कोई हैवी एंड स्टेटमेंट नहीं पसंद करता है बट मेरे पास कुछ ऐसे पीसे

मिलता है जिसमें आपको इंडो वेस्टर्न का टच देने के लिए थोड़े से बीट्स ऐड कर दिए हैं थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया है एंड थोड़ा सा ये ट्रायंगल वाला शेप ऐड कर दिया है जिसकी वजह से ये बहुत ही you know, यू नो यूनिक एंड जोमेट्रिक टाइप का लगता है इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा अमेजिंग है लाइक ब्लू ब्लू एंड रॉयल रॉयल तो ये आपको एक फील देता है ऐसा लगता है कि आप बहुत ही पुराने जमाने के रॉयल इयर पहन रहे हो एंड अगर आप इसको पेयर करोगे व्हाइट कलर के साथ दे विल लुक डैम ऑसम ब्लैक के साथ मैंने पेयर किया था उस पर भी ये बहुत अमेजिंग लग रहा था लेकिन व्हाइट के साथ ये ज्यादा अच्छा लगता है एंड टू बी ऑनस्ट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना व्हाइट रॉयल ब्लू स्काई ब्लू वाला मुझे लगता है कि अगर इस कलर का हम आउटफिट बनाएं बनाएफिट क्रिएट करें तो वो भी बहुत अमेजिंग लगेगा बिकॉज मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग लगा so, अगर आपको स्टेटमेंट ज्वेलरी पहननी है लेकिन आप नहीं चाहते कान के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हैवी वेट पड़े या फिर ऊपरिंग पहनो देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दीज इट इज जस्ट फॉर वन फिफ्टी रूपीज एंड गाइज वन फिफ्टी रूपीज में फ्यूजन ज्वेलरी मिल रही है जो कि आप आराम से वेस्टर्न इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ क्रिएट कर सकते हो सो आई थिंक इट इज अ मस्ट हैव एंड इसीलिए मैंने इसको परचेज किया है एंड गाइज में हर पीस के आगे मस्ट है इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इयरिंग्स में से छाट के ढूंढ के ये सारी केयरिंग निकाली है तो मेरे हिसाब से ये सारी बहुत अच्छी है ये सारी आपके पास होनी ही चाहिए एंड ये अफोर्डेबल भी नाउ लेट्स टू द अदर दिस इज इज हाउ दे लुक इट वेरी वेरी डिफरेंट इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट है इसका डिजाइन बहुत डिफरेंट है ये आपको चांद बाली जैसा लगता है लेकिन इसमें कोई भी चांद या मिरर वर्क नहीं किया गया है ये बहुत ही अच्छा मीनाकारी का टच दिया गया लेकिन अगेन इट इज नॉट अ ओरिजिनल मीनाकारी ये डुप्लीकेट है बट फील आपको वही आती है ऐसा लगता है कि आपको एक मीना का वर्क मिला है नीचे आपको व्हाइट बीट्स मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी लगते हैं एंड ऐसी इयरिंग मैंने कहीं नहीं देखी थी लाइक लिटरली एमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं पर भी आपको ऐसी इरिंग नहीं मिलेगी एंड तो इसका कलर एंड डिजाइन है ना वो बहुत ज्यादा यूनिक है जैसे ही आप इसको कलर एंड डिजाइन को देखोगे तो आपको इसमें रेड एंड व्हाइट कलर का कमल मिलेगा पत्तियां मिलेंगी जो की आपको पुराने जमाने के मंदिरों पे या फिर पुराने जमाने के महलों में मिलती है पेंटिंग्स बिल्कुल उसी की जैसी इसकी पेंटिंग है एंड जो व्हाइट बीट्स है वो तो इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाती है सो गए अगर आप कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हो जो की बहुत लाइट वेटेड

ऊपर आपको एक छोटा सा फ्लावर वाला स्टर्ट मिलता है एंड नीचे का जो चीज है ना वो हल्क हल्का हल्का हिलता रहता है लाइक like दिस आप इसको इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा सकते सकते हो सकते हो सो इट इज नॉट दैट लॉक्ड बट हल्का सा लॉक कर दिया गया है, ताकि वो झुमके वाला लटकने वाला फील आए लेकिन ये एकदम एग्जैक्टली exactly लटका भी नहीं है सो so, आप जब इसको पहन लोगे ना तो आप जैसे जैसे मुड़ोगे वैसे वैसे ये घूमता रहेगा तो ये बहुत ही प्रटी लगता है एंड आपको इसमें पूरी की पूरी व्हाइट बीट्स का काम मिलेगा छोटे छोटे व्हाइट बीट से किनारे किनारे काम किया गया है एंड इट इज क्वाइट हैवी थोड़ा सा हैवी है बट स्टिल इट इज लाइक अ अटर्ट तो आप आराम से इसको

की मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगी बिकॉज ये सेम इिंग एमजॉन पे अवेलेबल है बट एमेज पे टू फिफ्टी रुपीज एंड मीशो पे वन फिफ्टी रूपीज तो जहां पे आपको बेटर लगे आप वहीं से ले लेना बट मैं लिंक भी दे दूंगी लास्ट जो इयरिंग है ना वो तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है अब तक मैंने आपको जितनी भी इंग्स दिखाई ना उन सब में से सबसे ज्यादा यूनिक इयरिंग मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ इज हाउ इट लुक्स लाइक इट इज अज झुमका बहुत ही बड़े बड़े झुमके हैं जिसमे की नीचे आपको टेसल वर्क मिलेगा ऊपर आपको छोटा सा स्टर्ड मिलता है एंड उसी में ये झुमका लटक रहा है ऊपर आपको मोतियों से काम मिलेगा गोल्डन वर्क मिलेगा एंड ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है बट वेटेड है बट ये है। ऐसा कलर किया गया है एंड वर्क मिला है तो ये बहुत बंजारा बोहो बहुत टाइप का इयरिंग है इट इज नॉट दैट इंडियन टाइप बट स्टिल इट इज वेरी प्रिटी एंड इस हॉल में रखने का बस यही रीजन था क्योंकि ये लाइट वेटेड है बहुत सारे टीवीजर्स मेरी वीडियो देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग मेरे वीडियो देखते हैं जिनको हैवी इयरिंग्स नहीं पसंद है तो आप ये वाले झुमका डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो एंड ये दिखने में भी बहुत प्रीटी लगते हैं लेट मी शो यू हाउ इट लुक क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा सो लेट मी ओपन दिस दिस इज हाउ दीज लुक ऊपर बहुत छोटा सा स्टार्ड है एंड आपके कान के जस्ट नीचे ये बड़ा सा झुमका जब दिखेगा ना तो क्या ही फील आएगा बहुत अमेजिंग लगता है ये मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी पहन सकते हो वैसे रेगुलर बेसिस पे कौन इतने बड़े झुमके पहनता है लेकिन अगर कोई छोटा मोटा पूजा है फंक्शन है या कहीं बाहर जाना है तो आप आराम से इसको पहन सकते हो क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड है एंड इट इज जस्ट फॉर वन ट्वेंटी रुपीज ये इट इज जस्ट फॉर वन ट्वेंटी रुपीज तो ये इस हॉल का सबसे सस्ता इयरिंग है एंड यू कैन डेफिनेटली दिस ये आपको एमेजन पे फ्लिपकार्ड पे नायका पे मित्रा पे कहीं नहीं दिखेगा ये मुझे बहुत यूनिक लगा लाइट वेटेड लगा एंड सबसे प्रटी लगा इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूं। इसके अलावा बाकी इयरिंग सारी इयरिंग बहुत ज्यादा स्टेटमेंट पीस हैं। बहुत है मीनाकारी का टच टेम्पल का टच ये सारी ना बहुत महंगे आते हैं टू बी ऑनलेस अगर आप ऑफलाइन भी लोगे तो बहुत महंगे मिलेंगे लेकिन मीशो मुझे दिख गए तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपके भी पैसे बचे आपको अच्छे अच्छे पीसेस मिले सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको और ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहे बिकॉज मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हो बट लाइक नहीं करते हो एंड इससे मेरा दिल लिटरली टूट जाता है सो so, अगर आपको और वीडियो चाहिए आप चाहते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे को अपलोड करती रहू आपको अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते रहे हॉल्स मिलते रहे स्किन केयर मिलता रहा मेकअप मिलता रहा तो वीडियो को लाइक भी करो कॉमेंट कर दिया करो कोई भी एक छोटा सा प्यार सा कॉमेंट आप छोड़ सकते हो या फिर आप मुझे कॉमेंट करके यही बता सकते हो कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोज चाहिए ताकि मैं उसी टॉपिक पे वीडियोज क्रिएट कर सकूँ एंड आई होप की वीडियो आपके काम आई हो आप यूजफुल लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना एंड मुझे बता देना की आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए मेरी बाकी वीडियो भी देख लेना जैसे मीशो हॉल आजियो हॉल मिंत्रा हॉल एमजॉन हॉल में बहुत सारे हॉल्स पोस्ट करती रहती हूँ एंड नेक्स्ट याडियो टेक केयर